हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कासद नोटिस के बारे में बताऊंगा, जिसको आप लोग रेलवे की बिल्डिंग्स पे, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर आदि, या रेलवे के जो खंभे होते हैं पोल्स पे, वहाँ पर ये आपको नोटिस लगा हुआ मिलेगा। ये पब्लिक के लिए है, इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे सावधान उल्ट वोल्टेज कर्सर, ये हाई वोल्टेज जो आपका इलेक्ट्रिक वायर गए हैं, पोल्स हैं, उसके लिए है। यह इसमें लिखा है, इस स्टेशन पर रेल पटरियों के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि वह बिजली कर्सर के तारों और उनकी फिटिंग से दूर रहें। उन्हें मना किया जाता है कि वह इन तारों और फिटिंग्स के पास अथवा संपर्क में ना आए और ना बांस की बल्लियों, धातु की छड़ों आदि से इसे छुए। ऐसा करना खतरनाक है। आदेशानुसार इंग्लिश में लिखा है, कासन नोटिस हाई वोल्टेज ट्रैक्शन। This station has electrified tracks. Public are warned to keep away from electric traction wires and fittings. They are also prudent to approach or come in contact with such wires and fittings, either directly in person or through articles such as poles, bamboos, metallic rod, etc., as it is likely to prove dangerous by order. कासन नोटिस का मतलब होता है कि आपको रेल की पटरियों के ऊपर जो तार लगे हुए हैं या जो आपकी पटरियां लगी हुई हैं, इसके कांटेक्ट में नहीं आना है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसे हम आपको दिखाते हैं अभी बाहर चल के। ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है। इसको आपको किसी भी मेटल से, इसके पोल्स को या फिर वायर को किसी भी मेटल रॉड और बांस की बल्लियों आज से नहीं छूना है। इससे आपको दूर रहना है, वरना ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। देखिए रेल की पटरी के ऊपर से वायर गए हैं, इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, वरना अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी आदमी आता है तो उसकी जान तुरंत चली जाती है, आदमी जल जाता है। बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ट्रेन को चलाने के लिए बहुत हाई वोल्टेज करंट चाहिए। अभी आपको और दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 25,000 वोल्ट्स का करंट होता है, 25,000 वोल्ट्स, बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप बिल्कुल दूर रहिए। रेलवे परिसर के छतों पे या खंभों पे बिल्कुल नहीं चढ़ना है, वरना ये बहुत डेंजरस हो सकता है और आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों प्लीज़ सतर्क रहिए, सेफ रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।